सब लोग घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे और आपसे कहूँ कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप 10 साल आगे होंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप अपना दरवाजा खोले और कुछ इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिले तो कुछ वक्त के लिए समझ लो कि आप 10 साल आगे हैं, तो बाहर की दुनिया कुछ इस तरह दिखेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। समय का पहिया बहुत बलवान होता है, ऊपर उठाना या नीचे गिराना ये सब समय ही कर सकता है। जैसे अभी ये इमेज को देखिए, ये इंडिया की है, ये वाला इंडिया पहले का है और ये वाला अभी का, और ये वाला इंडिया है 10 साल बाद का, और 10 साल बाद यही प्लेस आपको बहुत एडवांस देखने को मिलेगा। वेल आई एम नॉट सेइंग कि फ्लाइंग कार एंड ऑल देखने को मिलेगा, वो भी समय आएगा मगर 60-70 इयर्स के बाद। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया लुक लाइक्स आफ्टर 10 इयर्स। हम सभी लोग को दिख ही रहा है कि कैसे इंडिया में एक रफ्तार से डेवलपिंग हो ही रहा है। झोपड़ी से ये बड़ी बड़ी इमारत का सफर शायद इतना आसान भी नहीं था। जहाँ एक टाइम में बैलगाड़ी चलती थी आज वहाँ एडवांस हाईवे बन चुका है। जहाँ दूर दूर तक एक टाइम में बंजर जमीन हुआ करती थी आज वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिस सभी की जरूरत की चीजें मिल जाएंगी और बहुत सारे दूसरी चीजें जो आज हम आप लोग को बताएंगे। इंडिया जैसे जैसे दुनिया में अपना छाप बनाते जा रहा है और बड़े बड़े देश इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं सिर्फ एक चीज देख के, और वो है हम सभी लोग। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 65% यूथ की पॉपुलेशन है, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा बोनस पॉइंट होता है। समझ लो कि किसी देश का यूथ परसेंटेज ज्यादा हो तो देश में एक टैलेंट के साथ जज्बा भी होता है। कभी भी आप किसी से पूछोगे तो इस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। शायद ये जोश की तलाश हर किसी को होती है, फिलहाल के टाइम में ये वाला जोश सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाई बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रही है। एप्पल को ही देख लो, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एप्पल स्टोर फाइनली खुल चुके हैं। खोलने के पीछे भी टिम कुक चाचा ने तो कुछ तो सोच के ही खोला होगा। बहुत चलाक है ये आदमी, शायद ये सभी यूथ को अट्रैक्ट भी कर रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया एक बेस बन जाएगा, फिर तो समझ लो कि ये इंडिया को यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि देश का तरक्की होगी, वो छोटी सी छोटी चीज में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। गांव और शहर में कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अभी के टाइम में मानो कितने टैलेंट होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली होंगी। और यही बात हम सभी लोग भूलते जा रहे हैं कि एंड कंट्रीब्यूशन एक ऐसी पावर है जिसके कारण वी कैन मेक आवरसेल्फ वेरी स्ट्रांग। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूथ इज 65%, और शायद कुछ टाइम में और ऊपर पहुंच जाए। ये आने वाला 10 साल इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए चलो एक स्टेट का बात करते हैं। चलो मान लो 2022 तक की बात करें तो पॉपुलेशन जो कि 15 से 35 साल ऑलमोस्ट 31% है, और सभी लोग को मालूम है कि यही समय के बीच में कोई अपने को कबीर सिंह बना लेता है और कोई अपने को लेजेंड बना लेता है, और ये टैलेंट कहीं ना कहीं हम सभी लोग मिस कर देते हैं। बिकॉज टैलेंट्स होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई अच्छी जॉब कहो या अच्छी सैलरी इसके लिए वो लोग इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं, एंड इसी कारण देश के डेवलपमेंट में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर शायद ये लोग इंडिया छोड़ के ना जाए, इंडिया में भी डेवलपमेंट आ सकती है जो कि बड़े बड़े कंट्रीज में देखने को मिलता है, और दूसरे के लिए ये सब चीज देखना पॉसिबल ना हो। सभी लोग जो अमेरिका के टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मगर वेट, अगर इंडिया को अमेरिका बना दे तो कैसा होगा? आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन करिए, इंडिया को अमेरिका बनाना शायद इतना मुश्किल ना हो जितना हम सभी इमेजिन करते हैं। अंटिल देश के लिए कुछ करने का चाहत ना हो, एंड डायरेक्ट वे में बात करूं तो जितना देश के यूथ मिलके काम करेंगे शायद यही चीज देश का नक्शा बदल दे, और हमें लगता है शायद ये चीज 10 साल में हो सकता है। ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी लोग को क्या लगता है इंडिया 10 साल बाद कैसा दिखेगा, और आप इंडिया के कौन से स्टेट के हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल जय हिंद जय भारत।